राजी का पार्ट 3 इधर आ चुका है भाइयों। स्टार्ट करते हैं शांति से, बिल्कुल इजीली स्टार्ट करा जाएगा ये गेम। यहाँ पे दम कैसल पे जैदपुर का, जैदपुर है ना इसका नाम, जैदपुर जो भी है, कैसल पे है। मैं महाबलासुर को मारना है। सच में बहुत सुंदर है, ये यहाँ कैसे आया? एक उपहार भगवान विष्णु। ऐसा लगता है ए, क्या हो? इसे कुछ नहीं हुआ। जाना किधर है भाई? यहाँ से यहाँ पे जाने का हमें। ओके ओके, गॉट इट। ए, देखो ऐसी थोड़ी पर भी से जाएंगे नीचे। यप, यहाँ पर क्या है अब? ये चमत्कार है, ये जरूर देवताओं का अस्त्र है। क्या है? धन्यवाद उनका जो मुझ पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं, जो मेरा साथ दे रहे हैं। क्या ये बो, मुझे बो बहुत हैरानी है भगवान विष्णु, आपका धनुष बहुत अच्छा उपहार है। इन कांटों को संतुलन में होना चाहिए, है ना? लड़की ने अपना ही नाम पा लिया है। ओके, अब हम इसके लिए एक बार इसका एबिलिटी देखे क्या है। समझ ही नहीं आया। लॉन्ग रेंज खेलिया, अब ये हमारे त्रिशूल पे ही है, त्रिशूल वेस्ट। अरे त्रिशूल ना, अरे अजीब इंसान है भाई ये। हमें त्रिशूल चलाना है, जब नहीं चलाना मैं भाई त्रिशूल वेस्ट। ओके, ओ लॉन्ग रेंज में जाता है। हवाई शॉट मारना है। अरे भाइया तो गरगरारे कर रहे हैं। अरे घटिया इंसान, रुकियो रुकियो रुक जाता हूँ, बदतमीज। मुझे वेपन बदलना। ओके ओके, अच्छे से बदल कर वेपन। त्रिशूल बेस्ट है भाई, लॉन्ग रेंज के लिए सही है। अरे तू रुक जा बालक। पावर ले रहे क्या हम? इंडियन मूवी है कुछ ऐसा सीन है।
हम वैसे यहीं से अभी ऊपर नहीं जाते। अरे जब देखो आ जाता है भाई, ये गॉड ऑफ वॉर चल रहा है कसम से। अरे कुछ है। तो भाई जब देखो आ जाते हैं बदतमीज इंसान। बट हाँ ये सही है भाई, थोड़ी थोड़ी देर में है वो अपने आप ऑटो से हो जाता है। तो ऐसे प्रिंस ऑफ पर्शिया गॉड ऑफ वॉर में कसम से भाई दिमाग खराब हो जाता है। फुल कर्तव्य दिखाते आ रहे हैं तो यही है, यही वो जगह है जहाँ वो गाड़ियाँ ले गए थे। खोलो खोलो मुझे अंदर आने दो। कुछ नहीं, मैं अब क्या करूं? मिस्से वो था हो रहा था ना, ऐसा कुछ टूट सकता है। अब हम यहाँ पे वैसे व्हाट शुड बी पोस्टर बनाओ, यहाँ पे आने वो पड़ा हुआ है, ये ले लेते हैं। अब हम जाएंगे दूसरे खुफिया रास्ते से जा रहे हैं हम। तुम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। डिस्ट्रक्शन नहीं कर दे रहा जी ने तो कति। एक सेकेंड Where is supposed to go now? जाना किधर है ये क्वेश्चन है। यहाँ पे और बै और भी लेते हैं, और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड ऑफ वॉर की चेस्ट की जैसे चेस्ट रहती है ना उसमें लूट चेस्ट जैसी। अरे भैया अरे बस भैया क्या ये रात ही मर जाएगी। मेरे साथ भगवान है। यस हर जगह चल के देखता है भाई, कुछ भी जितनी ज्यादा अपग्रेड होंगे उतने ज्यादा हमारे लिए बॉस फाइट होगी। बॉस फाइट तो होगी इसमें पक्का। जो एक और मंडल बीते हुए कल की एक और झलक अगर वह याद कर सके। ओके नाइस 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 स्टोरी बट कुछ हो नहीं सकता तेरा। शेड लाइफ शेड लाइफ शेड लाइफ। अब एक सेकेंड थोड़ा ग्लिच होगा, तकनीकी इशू आ चुकी है यहाँ पे। अब देखना पड़ता है रिकॉर्डिंग चल रही है। अबे है किधर ये? अरे गलत की दब गए भाई बेवतलबी। भाई ग्रीन में तो आया देखो। यहाँ पे आएंगे देखो, यहाँ पे कहीं भूत भूत आएंगे। हो गया बदतमीज। हम ये क्या है
2,000 years later. Pana, okay, okay. मुझे गुस्सा आ रहा है भाई यार ये है। स्टोरी फाइनली बच्चों को किसने बंदी बनाया, उनका मकसद क्या था? अगर राजी को सच्चाई पता होती तो वो आसानी से हार मान जाती। क्योंकि वो असुर बहुत बेरहम है और स्वर्ग खतरे में है। स्वर्ग ओके 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 इजी इजी फॉर अस। यहाँ से जाने गई अब आई थिंक वहाँ पे आना है। ये हनीकॉम मेज चल रहा भाई स्क्विड गेम। या ओके I hate this game भाई। I hate this game man। ये अजीब है ना कि ऐसा होनहार बच्चा पैदा हुआ, वो भी ऐसे वंश का जिस समय उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कौन कह सकता है कि ये सब कैसे उन्होंने शक्ति का चित्रण किया है। उनके शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं आदि पराशक्ति हूं, मैं ही परम सत्य हूं। उन्होंने हमें बताया कि वो ऊर्जा का वो स्वरूप है जो ना बन सकती है ना मिट सकती है। उन्होंने हमें बनाया है जिससे हम उनकी शक्ति से ब्रह्मांड पर राज करें। अच्छा वो ये उन्होंने शक्ति का चित्रण किया है। उनके शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। मैं आदि पराशक्ति हूं, मैं ही परम सत्य हूं। उन्होंने हमें बताया कि वो ऊर्जा का वो स्वरूप है जो ना बन सकती है ना मिट सकती है। उन्होंने हमें बनाया है जिससे हम उनकी शक्ति से ब्रह्मांड पर राज करें। ये सितारा नहीं होता क्या? प्रिंस ऑफ पर्शिया को जला जल्दी जल्दी कूद के। ब्रह्मा को उन्होंने निर्माता की भूमिका दी और बुद्धिमान सरस्वती को उनकी सहयोगी बनाया। दोनों साथ मिलकर दुनिया बनाएंगे। मेरे लिए उन्होंने मेरे सभी जरूरी अवतारों में संरक्षक की भूमिका निभाई। देवी लक्ष्मी को मेरा सहयोगी बनाया जिससे समृद्धि और वैभव मेरे हाथों में रहे। रुद्र समय के देवता बन गए, ब्रह्मांड के विनाशक और पुनर्निर्माता दोनों, और शक्ति के अन्य रूपों को पार करने के लिए बढ़े। आधा हिस्सा भगवान शिव बना जो बुराई के विनाशक
दूसरा हिस्सा आपको पता है, देवी दुर्गा वो दूसरा हिस्सा आप थी। हम यहाँ से एक सेकंड भाई, ये किधर है? हमारे कैमरा तो पता होना चाहिए। अजीब बदतमीजी है, मन से कूद जाता भी। वो रहा गोलू भाई राघी, वो उसे कहाँ ले जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो वे चाहते हैं? भाई राक्षस है वो, ठीक है। मेरे साथ माँ दुर्गा है। अरे कॉम्बो पे लेगा छोरा। बदतमीज अरे ज्यादा ही लंबी फाइट चली गई। बस ये लेने के लिए एनर्जी पॉइंट। अभी भी भाई कितनी मस्त ग्राफिक्स। उसके प्यार से उसके मकसद को शक्ति मिलती है। ओ भाई बिल्कुल ही मस्त। नाइस मैं भी चल रहा है थिंक सो। मैं अब यहाँ से हम किधर जा सकते हैं? यहाँ पे आइए। क्या पार्क हो रहा है? आउच भैया, पार्कोर लेवल 100 अलग ही। अरे यार ये अटक गया वापस। अरे भाई सैंडी करता हूँ। ये थोड़ा सा छोटा है पहले बाकी एपिसोड से, बट या अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब हम राजी में शायद बॉस फाइट फाइनल देखने को मिलने वाली है, पता नहीं, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट बट वेल सी। सो ये है पार्ट 3 का एंड है। अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मोर राजी की वीडियो आएगी। चलिए बाय बाय।